Hare Hio, Hare Hio. देवसुतम देवम कंस चा नूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम अथसि पुष्प संकाशम हारनुपुरशोभितम रत्न कंकणम क्युरम कृष्णम वन्दे जगद्गुरुम कुटले कुटिलाकं संयुक्तं पूर्णचन्द्रं निबाननं विलसतकुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बाहिर्पिञ्चवाचुडकं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्पुल्ल्यपद्मं पत्रक्षं सन्निभं, यादवानं शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं संयुक्तं पिताम्बुरशुशोभितम् आवाप्तं तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गोपिका नाम कुसुंधव कुमकुम्स श्रीनिकेत महिश्वास कृष्ण वंदे जगद्गु <coughs> वासुदेवसुत कंचूरमर्दनम देवकी परे जगद्गु भगवत गीता जयंती श्रीमद गीता, इक्यावन सौ उनसठवी जयंती ये आज है भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना के जो ज्ञान दिया वो प्राणी मात्र जो द्वंद्व के युद्ध में खड़ा हुआ है द्वंद चल रहे हैं अनेकों प्रकार के उन द्वंद्वों के युद्ध में भगवान ने निमित्त तो बना दिया अर्जुन को लेकिन ज्ञान ये सबके लिए है कोई व्यक्ति विशेष के लिए ही ज्ञान हो ऐसा नहीं है इस ज्ञान की आवश्यकता प्रत्येक प्राणी को आज है ऐसा ये ज्ञान है इसके लिए भगवत गीता के लिए सभी महापुरुषों ने अपने अपने ढंग में उसकी प्रशंसा की शास्त्र की कितनी महत्वता है और शास्त्र में उपनिषदों का सार क्योंकि सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वशास्त्रों का सार गीता में है प्रत्येक अध्याय के अंत में आप देखेंगे सा अध्याय उपनिषदत्सु उपनिषद में से है किसी भी अध्याय के अंत में आप देखेंगे तो इसका जो उपादान है उपादान बोलते हैं मटेरियल को किस चीज से बनाए वो सारे शास्त्र हैं इसमें वैसे तो उसको प्रस्थान रही क्रम में रखा है और स्मृति है ये और ब्रह्मसूत्र दस उपनिषदे जो हमारी वैदिक प्रस्थान हैं उनमें तीन चीज़ें हमारे सामने रखी जाती हैं एक तो उपनिषद होती है दसों उपनिषद को पढ़ना होता है दूसरा जो है ब्रह्मसूत्र है और तीसरा ये भगवत गीता प्रस्थान है इसको स्मृति प्रस्थान स्मार्ट प्रस्थान भी कहते हैं ब्रह्मसूत्र तो हमारा दार्शनिक प्रस्थान है और उपनिषदे तो हमारा वैदिक प्रस्थान है ही सात सौ श्लोक हैं भगवदगीता में सात सौ श्लोकों में भगवान ने इतना कुछ भर दिया है कि इसकी महिमा जो है सभी लोग मुक्त कंठ से गाते हैं गीता सुगीता कर्तव्यो कि मनई शास्त्र विस्तरई या स्व मुखो पद्माश्रिता गीता सुगीता कर्तव्य कि मन ही शास्त्र विस्तर या स्व पद्मनाभ मुख पद्माश्रिता गीता तो सुगीता है इसको ठीक से पढ़ लो भाव सहित अंतकरण में उतार लो अन्य शास्त्र की क्या आवश्यकता है जब स्वयं भगवान पद्मनाभ के मुख से आई हो स्वयं भगवान विष्णु के श्री मुख से जो आई हो कोई देश काल संप्रदाय मत वर्ण आश्रम किसी का भेद नहीं है इसमें कि यही संप्रदाय का पढ़ सकता है इसी देश में पढ़ते हैं बाहर के दार्शनिकों ने भगवत गीता के बारे में कहा कि गीता इज नॉट अ बाइबल ऑफ हिंदू गीता इज अ बाइबल ऑफ ह्यूमैनिटी गीता केवल हिंदुओं का ही एक पवित्र ग्रंथ नहीं है बल्कि ये तो प्राणी मात्र का इंसानियत का मनुष्यता का ही ग्रंथ है इसमें कहीं भी कोई संप्रदाय कोई जाति धर्म की बू नहीं मिलेगी कि ये ही पढ़ सकते हैं और ये इसको नहीं पढ़ सकते ऐसी है हमारी भगवत गीता जितना कहें उतना कम क्योंकि किसके मुख से आई ये भगवान कृष्ण के और कृष्ण कौन है वासुदेव सुतम देवम चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम वंदे कृष्ण जगद गुरु या कृष्णम वंदे जगद गुरु जगत गुरु है भाई जगत गुरु है क्या है कह सकते हैं उनके बारे में और गीता का महत्व गीता शास्त्र पुण्यम यह पठेत प्रयत पुमा विष्णु पदम वापनोती भयाशोकादिवर्जिता गीताध्यनशीलश्च प्राणायाम परस नए सी पापा पूर्वज पूर्वजन्मोता मलोचन पुंसा जलस्ना दिने दिनेकृदीतान संसारलनाशन गीता कर्तव्य कि शास्त्र विस्तर या स्वं पद्मनाभश मुक्प्ह्रुता भारतमृतसर्व विषुवक्न्रितिम गीता गंगोदकम पीता पुनर्जन्म विदेपनिषद गाव दुग्धा गोपालंदन पाथो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीता देवकी पुत्र गीत मेको देव एव एको तस्य कर्म्येक सेवा गीता शास्त्र यह पठेत प्रयत पुमा विष्णो पदम वो भयशोकादिवर्जि गीता का ऐसा महत्व तो है क्या गीता की बारे में अधिक हम कहें शास्त्र ने इतना कुछ कहा तो हमारी वाणी तो उतना कह भी नहीं सकती शास्त्र ने जो कहा यदि उतना भी उसमें से थोड़ा अंश भी समझ में आ जाए तो पता चल जाए कि भगवत गीता बड़ी महत्वपूर्ण तो है ये गीता जयंती के माध्यम से इस बात को कहते हैं लेकिन ये तो नित्य पठनीय है ऐसा नहीं कि आज गीता जयंती है और गीता जयंती में हम सभी संत जन भक्त जन या अन्य भी लोग इसका पाठ करें और अन्य दिन हम इसको भूल जाएं नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि गीता का महत्व जो है वो सदैव ही है और उससे पुण्य भी ऐसा नहीं कि एक ही तिथि पर मिलेगा सभी तिथियों पर मिलेगा नित्य मिलेगा और हमारे समझो भगवत पाद शंकराचार्य जी ने तो भगवत गीता के लिए क्या कहा भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता सक्रदपिय न मु समर्चा क्रियते तस्मीन न चर्चा भज गोविंद भज गोविंद गोविंद भज मते अर्थात ये भगवद गीता को जिसने पढ़ लिया या गंगा जल का जिसने कणिका भी पी ली थोड़ा कण भी ले लिया भला उसका मृत्यु क्या बिगाड़ेगी भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल कणिका पीता सक्रदपियन मुरारी समर्चा क्रियते तेतमीन न चरचा और यदि ऐसा कोई नहीं करता अर्थात तो अपने शास्त्रों से परे रहता है भगवान का भजन नहीं करता है और जो शास्त्र हमारे कल्याण के लिए अर्जुन को निमित्त बना के कहे गए उनका आश्रय नहीं लेता उसकी क्या गति है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे यह संसारे पहले तो उसकी दुर्गति हुई कि दो पंक्ति थी पुनर ये दुर्गति की दो पंक्ति पुनरअि जन्म पुनरपि मरणम पुनरअि जननी जठ ये दुर्गति वाली बात है फिर से जन्म ले फिर से मर फिर से आए जठर में फिर से जन्म ले और फिर दुखी हो के क्या कर रहा है यह संसारे बहु दुस्तारे कृपा अपारे पाही मुरारे हे मुरारी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो आज गीता जयंती है इसलिए तो इस बात को पक्का कर लो कि भगवत गीता के श्लोकों को जीवन में उतारेंगे और भगवत गीता में स्वयं भगवान ज्ञान है और अर्जुन क्या है भक्ति योग एवं कर्म योग तो आप भक्ति योग का आश्रय लें मामेकम शरणम व्रज ऐसा आप सोचें या ज्ञान योग का लें हुँ? या आप फिर कर्म योग का लें कोई एक योग तो भगवत गीता से आप पकड़ ही लें ऐसा नहीं कि आप भगवत गीता को खाली एक भगव गीता जयंती पर सुनें और फिर सोचें चलो महत्व तो हो गया पूरा लेकिन हम उसको आचरण में ना लाएं ये तो हर वर्ष आती है नारायण नारायण और हर वर्ष जो है अपनी महत्वता हर दिन बताती है लेकिन वर्ष में एक बार तो विशेष इसी का दिन होता है तो यदि उस दिन भी संकल्प कर लिया जाए वो तो संकल्प भी चल जाएगा ऐसा नहीं है कि वो संकल्प कहीं समझो कि हमारा किया हुआ संकल्प कहीं चला जाएगा नहीं संकल्प आपने यदि आज भी किया कि हम भगवत गीता के श्लोक पर विचार करेंगे और ये श्लोक से देखेंगे कि ये श्लोक हमारे जीवन में आया कि नहीं आया मामेकम शरणम रज जब तू तो कुछ नहीं कर सकता अर्जुन जब तुझे सारा मैंने सुना दिया इतना सुनाने के बाद भी तो, तो कह रहा है कि हे पार्थ हे हे केशव मैं क्या करूँ मेरी तो समझ में नहीं आया तो और भी कुछ नहीं कर सकता तो मामे कम शरणम व्रज इसको अहम त्वम इत्यादि का त्याग कर दे और तू मेरी शरण में आ जा यदि तू सब अहम त्वम अपना कुछ त्याग करके मेरी शरण में आ जाएगा तो भी तेरा भला हो जाएगा क्योंकि शरणागत के लिए तो सब फेरफार हो जाता है बदलाव भी हो जाता है भगवान तो भक्त के लिए कई बार प्रकृति के नियम को भी फेरते हुए देखे गए हैं तो तू मेरी शरण में आएगा तो तुझे ज्ञान प्राप्त ना हो ऐसा तो संभव ही नहीं है इसीलिए सब चीजों को त्याग कर अपने शुद्ध भाव से हुँ? कैसे भले तू ग्रस्त आश्रम में रहता हो लेकिन त्याग भावना से शुद्ध भावना से तू रह त्यक्वा कम फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य प्रवृत्तों न कि देव शक्यम त्यक्तु कर्मा न शेषता यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी विधीये गीता से आपको क्रमिक मार्ग से आपको धीरे धीरे चलते हुए आपके ग्रस्त कर्मों को भी करते हुए अवश्य ही आप मुक्त आत्मा हो जाएंगे भगवत गीता का महात्म देखो कितना सुंदर है गीता शास्त्र में दम यह पठित प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्यनशीलस्य प्राणायामपरस्य च न एव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने

गीता गंगोदी पुनर्जन्म नीद्य सर्वोपनिषदो गावो सारी उपनिषद गाय हैं दोगा गोपाल नंदना हमारे गोपाल नंदन जो है वो दोग्धा हैं दूध को धोने वाले पार्थो वत्साह सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता महत सुधीर है कौन हमारे जो अर्जुन है वो सुधी हैं सुष्टु धी से सह सुधी जिसकी ठीक धी हो सुष्टु धी य सह सुधी शास्त्रम देव देवकी पुत्र एको देव की पुत्र एको मंत्रस्त तस्य कर्माप्येक सेवा गीता शास्त्र की महिमा बड़ी निराली है अब गीता की आप लोगों तो को आरती सुना देते हैं उसके बाद आप लोगों के शास्त्र की पूर्णा होती है आज ऐसा हमें सूचना मिली है ये तो बहुत बहुत ही आप लोगों ने बड़ी प्लानिंग से चलाया होगा कि श्रीमद गीता की पूर्णा होती गीता जयंती पर ही हो जाए आज आज अट्ठारह अध्याय पढ़े हैं ठीक ठीक तो बहुत ही अच्छा है अट्ठारह अध्याय का पाठ किया आरती हुई हाँ आरती हुई तो आरती करा रही हैं आरती आप लोगों के पास है कि नहीं हमें नहीं पता नहीं है तो आप हमारी सुन लेंगे तो आप लोग फिर उस आरती को चाहे तो अपने स्थान पर कर लेंगे या तो आप अभी कर लेंगे आरती आपको भगवत गीता की गीता प्रेस गोरखपुर से पुस्तकें जो छपती हैं उनमें प्राय लिखी होती है लेकिन यदि नहीं भी है तो आज सुन लेंगे फिर उसको आपको याद भी रहेगी महात्म किया था आपने भगवत गीता का जो हमने अभी महात्म सुनाया हाँ तो आरती सुन लेंगे जय भगवत गीते जय भगवत गीते हरि ही या कमल बिहारी सुंदर सुपुनी ते, मैया जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी काम शक्ति हरा तत्व विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा मैया ज गीते उन लोगों की आवाज़ें तो हमें नहीं आएंगी यदि हम कराएं तो नहीं आए पाएगी निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी मैया जय भगवत गीते रागद्वेषविदारिणी कारिणि मोद सदा भवभयहारिणि तारिणी परमानन्दप्रदा मया जय गीते आसुरभावविनाशिनी नाशिनि तमरजनी दैवी हरि रसिका सजनी मैया जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बाणी मैया मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी मैया जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जयी हाँ मैया कृपा की जयी हरिपत प्रेम दान कर अपनों कर ली जयी मैया जय भगवत गीते माँ की आरती हुई आप लोगों के सबके जीवन में भगवत गीता आप लोग आत्मसात कर पाए आपके जीवन में उतर पाए ऐसा शुभ भाव ऐसी मंगल कामना आप लोगों को ठीक ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 शान्ति, ओ